from hydrogen atom. Okay, so this was the problem from TFR 2013, and it's a very simple problem. देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. एन एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज अ वेव फंक्शन लाइक दिस. सो दिस इज अवर वेव फंक्शन. ओके, सो साई एन एल एम विच इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इज गिवन बाय सम कॉन्स्टेंट्स, सम फंक्शंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एंड ई टू द पावर माइनस आर बाई थ्री ए नॉट प्लस आई ओटा फाई. ओके, सो दिस इज अवर वेव फंक्शन. दिस इज अवर वेव फंक्शन. And we have to find, what we have to find? And one more thing that is given, A naught is the Bohr radius and the principal N, the azimuthal L and the magnetic M, quantum numbers corresponding to this wave function R. So, hume basically kya nikalna hai? Hume principal number N, azimuthal number L and the magnetic number M nikalna hai. Wo kya kya honge? And the options are like this. N equals to 3, L equals to 2, M equals to 1 and so forth. ओके, सो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन गिवन है, हमें इसके मैग्नेटिक नंबर्स निकालने हैं. एन क्या है, एल क्या है एंड एम क्या है. ओके, देखते हैं ये कैसे करेंगे. सो मैंने तुमको पहले बताया कि जो भी स्फेरिकल सिमेट्री वाला प्रॉब्लम होता है और इन जनरल एनी हाइड्रोजन वेव फंक्शन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज that can be decomposed into four components. One is the radial part, theta part, phi part and the time part, or you can say it has four components. So any wave function of a hydrogen atom can be decomposed into four components: radial component, theta component, phi component and the time component. And humne ye bhi dekh liya ki time component is given by e to the power minus iota et by h cross and the phi component is given by e to the power I m phi. Here e is the energy, m is the magnetic number. Similarly, theta component of the wave function is given by the associated Legendre functions which are denoted by p l m cos theta. Yahan par tumko dhyan rakhna hai, yahan par x nahi hota hai, yahan par variable hota hai x. It can be cos theta or it can be sin theta. Okay, yahan par x nahi hota hai, यहाँ पर cos theta या sin theta होता है. एंड द रेडियल वेव functions, ओके, द फंक्शन विच ओनली डिपेंड्स ऑन द रेडियल डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय सम कांस्टेंट. ओके, यहाँ पर कुछ कोई ना कोई कांस्टेंट होता है. देन देर आर लिगुएरे पॉलिनोमियल्स एंड देर आर टू टर्म्स विच इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस आर बाय एन ए एंड टू आर बाय एन ए रेज पावर एल. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेव फंक्शन, एनी वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, एंड मैंने ये भी बताया है कि डिग्री ऑफ लिगुरे पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एन माइनस एल माइनस वन. तो ये तुम्हें याद रखना है कि कोई भी लिगुरे पॉलिनोमियल अगर होता है उसकी जो डिग्री होती है दैट इज एन माइनस एल माइनस वन, एंड द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस उसकी जो डिग्री होती है दैट इज एल. ओके, सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू बेसिकली डू, वी हैव टू जस्ट कंपेयर. ओके, सो हमारे पास जो वेव फंक्शन गिवन है उसमें क्या है, वहां उसमें ये वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट है. ओके, सो वी विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस. देन देयर आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट इज एक्चुअली द लेजेंडरी फंक्शन, एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन पी एल एम. ओके, एंड दीज टू, दिस वन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन. यहां पर e टू द पावर माइनस आर बाय एन ए, सो e टू द पावर ऑफ e to the power of minus r by na is actually the part of radial wave function and this is the part of phi function. Okay, so this is associated Legendre function, this is the part of radial wave function and this is the part of phi function. So hum yahan se dekh sakte hain ki yahan par jo ye 3 hai it corresponds to n. यहाँ पर e टू द पावर माइनस आर बाई एन ए, तो यहाँ पर क्या है e टू द पावर ऑफ माइनस आर बाई थ्री ए नॉट. सो इट्स क्लियर दैट n हमारा जो है दैट इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ व्हाट अबाउट m, हमारे पास जो phi फंक्शन है उसमें आता है e टू द पावर आई एम phi. तो अगर हम कंपेयर कर लेंगे देन व्हाट विल गेट यहाँ पर e टू द पावर आई एम phi, तो m के बदले क्या है यहाँ पर माइनस वन. So m we have minus 1
m we have minus 1. Now what, n भी हमने ढूंढ लिया, m भी हमने ढूंढ लिया. Now the thing is we have to calculate, we have to find what l is. Okay, so l हम कहां से निकालेंगे, इससे एसोसिएटेड लीजेंड्री फंक्शन से. तो यहां पर तुम देख सकते हो यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री 2 है. दैट मीन्स l, सो l इक्वल्स टू 2. कॉस थीटा मीन्स 1, साइन थीटा आल्सो मीन्स 1. ओके, सो इसकी जो डिग्री है दैट इज 2. सो l इज इक्वल्स टू